हेलो भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पीस भरी गेमर में। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं यूटोपिया ओरिजिन। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लिए एक नया टाइप का फार्मिंग करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ओके भाई लोग, तो हम लोग अपने गेम में आ चुके हैं। और फार्मिंग करने के लिए अपन लोग को कुछ चीज़ें बनाना पड़ता है। तो पहला चीज़ है, अपन लोग को बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन लोग को एक ये चीज़ बनाना पड़ेगा। और ये सुपीरियर फार्म करके कुछ नाम है, तो ये अपन लोग को बनाना पड़ेगा। और ये दो से अपन लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपडेट करके अपन लोग उसके लिए ऐसा कुछ बनाएंगे, मतलब उससे अपडेट करके ये दोबारा, ये उसके बाद 3 नंबर में ये बनता है। तो अभी तक तो मैं भाई फार्मिंग नहीं किया हूँ ये वाला, तो मुझे भाई सब ये अपडेट करने से क्या होता उतना पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं ये नॉर्मल, मतलब जो ये जो सबसे पहला दिया है अपन लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए अपन लोग को आयरन लगेगा, रून स्टोन लगेगा, और अपन लोग को लगने वाला रिफाइंड कोल। तो भाई रिफाइंड कोल के लिए थोड़ा सा मतलब लफड़ा रहता है, मैं दिखाता हूँ भाई साहब। रिफाइंड कोल के लिए अपन लोग को ये चीज़ लगता है, और या फिर ये चीज़ से, मतलब ये दो चीज़ में से किसी चीज़ एक चीज़ रहेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन ये जो भाई साहब इंडस्ट्रियल फर्नेस है ये नहीं काम करेगा, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी भाई मिलता है किसी के भाई ट्राइब में जब ऐड होते हैं उसके बाद मिलता है। और ट्राइब में भाई साहब अभी तक मैं भी ऐड नहीं हुआ हूँ। तो अपन लोग ये नहीं बना करके ये वाला बनाएंगे। तो इसके लिए रबर लगेगा और कोल लगेगा और भाई साहब आयरन लगेगा, तो ये बन जाएगा। और अपना जो है भाई साहब ये पहले से ही बना हुआ है, हमारे जो घर के बंदे हैं वो लोग बना के रखे हुए हैं। तो भाई साहब ये देख सकते हो यहाँ से वो रिफाइंड कोल बन जाता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई साहब रिफाइंड कोल कैसे बनता है। ओके, तो अपने पास कोल है और यहाँ से देखो भाई लोग, इसमें कोल रख देंगे और फ्यूल में जो है स्टीम स्टोन लगता है। तो स्टीम स्टोन लगा करके अपन लोग इसको चालू कर देंगे, तो इससे भाई सामने अपन लोग को रिफाइंड कोल मिल जाएगा। ये देखो बनना स्टार्ट हो गया है। और 10 कोल का एक रिफाइंड कोल मतलब ऐसे बनता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो उसमें 5 कोल का एक रिफाइंड कोल बनेगा। तो भाई साहब यहाँ से अपन लोग को रिफाइंड कोल भी मिल जाता है। और अपन लोग के पास सब चीज़ें रेडी है, तो अपन लोग बना लेते हैं अब जा करके। ओके भाई लोग, तो इस चेस्ट में अपन लोग सभी चीज़ें भाई साहब रखे हुए हैं। तो ये रिफाइंड कोल लगेगा और आयरन लगेगा और रून स्टोन लगेगा, तो अपना जो चीज़ें है वो बन जाएगा। तो इसमें से जो जो चीज़ लगने वाला है सभी चीज़ों से ले लेता हूँ भाई। ओके, तो अब अपन लोग ये जो क्राफ्टिंग टेबल है, क्राफ्टिंग टेबल पे आ जाएंगे और यहाँ से अपन लोग को ना वो चीज़ बना लेना है। ओके, तो ये चीज़ अपन लोग को बनाना है। तो अपन लोग पहले एक बना लेते हैं, उसके बाद इसको अपडेट करते जाएंगे बाद में। तो अपन लोग का ये जो फार्मिंग कुछ है, तो इसका नाम तो ये अपन लोग बना लिए हैं, और सुपीरियर फार्म करके ये कुछ नाम है, तो ये भी अब बना लेते हैं। ओके, तो 10-15 के आसपास तो अपन लोग बना लिए हैं। अब इसको जा कर के अपन लोग प्लेस करते हैं सामने। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग इसको रखते हैं। तो सबसे पहले सभी चीज़ें को निकाल लेता हूँ। सुपीरियर फार्मिंग करके कुछ ये है इसका नाम है, तो ये अपन लोग 10-15 बना लिए हैं और इसको सबको निकाल लेते हैं। उसके बाद अपन लोग चारों ओर से इसको लगा देंगे। ओके, तो इसको लगा दिए हैं। तो अब इसको भाई साहब यहाँ पे अपन लोग बढ़िया से सबको लगा देते हैं। उसके बाद अपन लोग इसमें भाई साहब कैसे फार्मिंग करते हैं वो बताता हूँ। ओके, तो इसको तो ऐसे अभी के लिए लगा दिए। और बीच में ये जो मॉनिटर, मतलब ये क्या है इसको भाई, क्या बोलते हैं, रुको इसका नाम देख लेते हैं। फार्मिंग मैनेजमेंट करने वाला चीज़ है, तो इसको बीच में लगा दिया। और अपन लोग को ना एक और चीज़ चाहिए रहता है, तो ये सिंपल जब फार्मिंग करते हैं ना, तो इससे मेरे को ना एक चीज़ मिलता है, रुको मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये चीज़ अपन लोग को मिलता है। और ये चीज़ अपन लोग को भाई साहब इस फार्मिंग में बहुत काम का चीज़ है। तो मैं बहुत दिन से फार्मिंग कर रहा था, तो मेरे पास बहुत सारा है।
ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एक फार्मिंग मार्केट करके ऑप्शन होगा, तो यहाँ से आप लोग कुछ ऐसा भाई साहब देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये जो चीज़ है ना, तो इसको बेच सकते हैं, जो मैं अभी दिखाया था। तो आप लोग के पास जितना है सब आराम से बेच देते हैं। ओके, तो यहाँ से अब आप लोग को फार्मिंग कैसे करना है तो ये मैं बता देता हूँ। तो आप लोग को जो सीड वगैरह ना, तो इधर से ही खरीदना रहता है। और ये बीच में भाई मार्केट मतलब दिखाता है कौन कौन से चीज़ें भाई साहब बिक रहा है मतलब। तो अपन लोग को भाई साहब किस में ज़्यादा मुनाफा है वो देख के अपन लोग इसमें बाई करते हैं सीड। और जब मतलब जैसे इसका डाउन हो जाता रेट, तो भाई साहब अपन लोग सेल नहीं करते, वो चीज़ें रखे रहते हैं। जब इसका रेट बढ़ता है, जैसे ऊपर का तीर का निशान दिखाई दे रहा हरा हरा कलर का, तो उस टाइम अपन लोग वो चीज़ सेल कर सकते हैं। तो मैं भाई देख लेता हूँ पहले कौन सा चीज़ है, कितना मुनाफा है, उसके बाद अपन लोग सीड खरीदेंगे। ये जो सीड है भाई साहब, ये 50 ये जो कॉइन है इससे मिल रहा है, और यहाँ पे 19 कॉइन में एक बिक रहा है। और एक बार मतलब इसको फार्मिंग करते हैं 3 मिलता है, तो 7 भाई साहब कॉइन इसमें फ़ायदा आएगा। और इसमें जो ये येलो मतलब थोड़ा वाइट कलर का है, तो ये 90, इसमें भाई साहब 9 कॉइन भाई साहब फ़ायदा आएगा। और ये जो तरबूज टाइप का है, तो इसका भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो पुल लोग सोच रहे हैं भाई साहब ये जो है ये सीड भाई साहब खरीद ले, और हम लोग कितना ये खेत लगाए वो देख लेते हैं पहले। 9 खेत है, तो भाई साहब 9 भाई साहब खरीद लेते हैं, और देखते हैं भाई कितना इसका 9 खरीद लेते हैं। तो 810 कॉइन लगने वाला है, तो खरीद लेते हैं। और ये जो सीड है पुल लोग इसमें लगा देते हैं। तो ये भाई साहब जितना भी सीड है चारों मतलब सब में लगा देते हैं। उसके बाद इसमें खाद पानी सब डालना पड़ता है, उसके बाद बढ़िया से ये सीड उगता है। तो ये जितना भी है सब मैं भाई पहले लगा देता हूँ, उसके बाद और चीज़ें बताता हूँ कैसे कैसे होता है। ओके, तो जितना भी सीड था आप लोग लगा दिए हैं, और यहाँ पे आप लोग को टाइम टाइम पे इसे पानी वानी देते रहेंगे। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। और एक मतलब कुछ चीज़ें और है जो कि अपन लोग को जरूरत पड़ेगा, तो मैं दिखा देता हूँ उसमें और सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ है भाई, ये अपन लोग को लगेगा। और ये जो चीज़ है खाद, एक तरह से ये खाद हुआ। और ये जो भाई सब कीड़े वीड़े लग जाते हैं उससे बचाने के लिए ये चीज़ हो गया। ओके, तो ये भाई साहब अपन लोग ये दोनों चीज़ भी पहले अब बना लेते हैं, उसके बाद भाई साहब अपन लोग मिलते हैं। थोड़ा मछली लगता है और थोड़ा बहुत चीज़ें लगता है, तो शायद मेरे पास होगा। ओके, तो अपने पास भाई ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो मैं जाकर के अभी पहले ख़रीद के आ जाता हूँ, और उसके बाद अपन लोग बना लेते हैं भाई साहब जो जो चीज़ें। वो दो चीज़ भाई लगता है, एक खाद का काम करता है और एक कीड़े वड़े लग जाते हैं उससे भाई बचाता है। तो भाई साहब अपन लोग ट्रेडिंग हॉल से जो चीज़ का कमी आराम से ख़रीद के लेके आ जाते हैं। अब सस्ता ही मिलता है वो जो खाद वाद बनाने वाला चीज़ है, तो अपन लोग ले करके चलते हैं। ओके भाई लोग, तो जो चीज़ें लगने वाला था सब लेके, वो सब चीज़ें लेके आ चुके हैं। थोड़ा बहुत फीस लगने वाला था, और ये जो भाई साहब और लगने वाला था लकड़ी से ये मिलता है एस्ट्रो, तो ये लगने वाला था। तो ये सब तो भाई साहब बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और फीस भी बहुत ही सस्ता ट्रेडिंग हॉल में भाई साहब मिल जाता है। तो अपन लोग भाई थोड़ा बहुत तो बना लेते हैं, उसके बाद भाई साहब जाकर के मैं बताता हूँ क्या क्या काम आता है। ओके भाई लोग, तो हम लोग बना चुके हैं, और यहाँ पे अपन लोग जो चीज़ें अभी बनाए हैं, तो एक चीज़ भाई साहब ये देखो, ये जो जब कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो ये वाला काम आता है, और ये है खाद का काम करता है। तो ये खाद अपन लोग को कैसे लगाना है, तो यहाँ से ऑटो मतलब यहाँ पे ऑटो फार्मिंग करके ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से अपन लोग जितने भी मतलब ये खाद का काम करने वाला चीज़ है, तो इसमें भाई साहब लगा देंगे, और ऑटोमेटिक जो है इसमें भाई साहब लगता जाएगा, मतलब जो मतलब ऑटोमेटिक काम करता है ये चीज़। तो भाई साहब ये काम करेगा इसे, और अपन लोग अब थोड़ा बड़ा होने देते हैं, उसके बाद मैं इसका काम दिखाता हूँ। ये जो चीज़ भाई साहब अपन लोग के पास है, और कीड़े कैसे लगता है और कैसे काम करता है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार करते कुछ देर, उसके बाद भाई बताता हूँ कैसे काम करता है।
ओके भाई लोग, तो 2-3 घंटे बाद भाई साहब इंतजार करने के बाद देख ही सकते हो ये भाई साहब जिसमें कीड़ा लग चुका है, ये देखो कुछ ऐसा भाई साहब दिखा रहा है। तो इसमें अब भाई ये काम आएगा जो अपन लोग एक मतलब कीड़ा वगैरह जब लगता है ना तो उसको मारने के लिए ये चीज़ अब काम आएगा। तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस पर ऐसे मार देना है तो ये जो कीड़े वड़े लगे हैं वो सब हट जाएंगे। और यहाँ से देख ही सकते हो ये सब पे ऐसे ही करना है। तो ये सब भाई कीड़े वड़े जो लगे हुए थे तो वो सब भाई साहब हट चुके हैं। ओके, तो यहाँ से मैं उसके बाद फिर पानी डाल देता हूँ और कुछ देर के बाद ये फिर भाई साहब मतलब पूरी तरीके से भाई साहब बड़ा हो जाएगा। इसमें देखो भाई साहब तुरंत एक और भी कीड़ा लग चुका है। तो इसमें भी ऐसे करके मतलब लगाते जाएंगे। और भाई साहब जब ये वाला जो है ना, ये वाला चीज़ जब इसको अपडेट करेंगे, मैं दिखाता हूँ भाई साहब। तो ये देखो भाई लोग, तो यहाँ से इसको जब अपडेट करेंगे तो धीरे धीरे अपडेट कर देंगे ना, तो ये भाई जैसे ऑटोमेटिक, मैं दिखाता हूँ ये वाला चीज़ इसमें ना मतलब खाद वाद डालने वाला ऑटोमेटिक हो गया है। तो ये आप लोग एक एक करके जैसे अभी डाल रहे हैं कीड़ा लगने के बाद, तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें भी ज़्यादा आप लोग को काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आराम से भाई धीरे धीरे आप लोग करेंगे मेहनत, उसके बाद आराम से हो जाएगा। अभी के लिए तो भाई अभी तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भाई कुछ देर बाद, उसके बाद ये भाई पूरे तरीके से बड़ा हो जाएगा। और इधर से ये वाला जो है ना, ये वाला चीज़ अब पुल जब मतलब अगला अपडेट करने के लिए ना ये चीज़ लगता है। तो उसके बाद फिर लास्ट में अपडेट करने के लिए ये चीज़ लगता है, उसके बाद पूरी तरीके से ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, आराम से पौधे ला करके आराम से बस लगा देना और बस हो गया है। ओके, तो अब भाई लोग हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा भाई ये बड़ा होने के लिए। तब तक तो भाई अपन लोग को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे बार बार आने के बाद ना इसे पानी भाई जब भी आओ यहाँ पे डालते रहो, तो भाई साहब इसमें पानी वानी का कमी नहीं रहेगा। तो अब भाई इंतज़ार करते हैं और पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा, उसके बाद दिखाते हैं भाई। ओके भाई लोग, तो हमारा जो खेती है वो भाई 4-5 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली पूरा हो चुका है। और ये देखो चारों ओर इसे चमकने लगेगा, तो समझ लो भाई साहब पूरी तरीके से अपना जो मतलब जो भी अपन लोग उगाए हैं पूरी तरीके से भाई साहब बड़ा हो गया और फल और भाई साहब उग चुका है। तो उसके बाद ये सबको भाई साहब इसे हार्वेस्ट कर लेंगे तो हम लोगों को ये सब मिल जाएगा। और देखते हैं भाई साहब अपन लोग कितना मतलब इकट्ठा प्रॉफिट इसमें देखते होता है। तो इसका जो बीज है अपन लोग को 90 भाई साहब इसका मिला था, ये जो कॉइन है, और अपन लोग 9 लिए थे तो 81 हो गया। और अपन लोग बेचने जा रहे हैं, देखते कितना हमारे पास है। ओके, तो 31 हमारे पास है। और देखते हैं अपन लोग को कितना मतलब ये जो कॉइन है ये मिलता है, तो अपन लोग सेल करते हैं। तो हम लोगों को मिला है लगभग को 1023 के आसपास मिला है, तो हम लोगों को लगभग 200 के आसपास मतलब फ़ायदा हुआ है। तो फिर से अपन लोग हम सोच रहे हैं इस बार अपन लोग क्या लगा दें, तो इस बार भी अपन लोग यही लगा देते हैं। उसके बाद आराम से उगने के लिए इंतज़ार करेंगे और फिर से अपन लोग इधर से जो भाई साहब उगेगा उसके बाद इसको लेते जाएंगे। और इसे करके अपन लोग इसको मतलब कॉइन ना बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और बहुत सारा कॉइन हो जाएगा। तो फिर इसको अपडेट करते जाएंगे, अपडेट जब कर लेंगे ना तो इसमें जब कीड़े वीड़े लगते हैं तो ऐसे मतलब डालना पड़ता है अपन लोग को आकर के खुद से, तो वो सब भाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। और उसके बाद और क्या होगा तो अपडेट करके ही पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो हम लोग ये जो खेती है स्पेशल टाइप का कर चुके हैं और अपन लोग को कॉइन वगैरह कैसे मिलता है इसमें तो ये सब पता लग गया है। तो भाई साहब अब वीडियो समाप्त करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।